फ्रेंड्स, आज मैं समोसे बना रही हूँ। देखिए हम कैसे मैं समोसे बनाती हूँ। उसके लिए मैंने मैदा रखी हुई है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, और रिफाइंड थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। उसके बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। इसको हम अच्छे से पूरी तरह से तेल, जो भी रिफाइंड आप डालोगे वैसे रिफाइंड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें रिफाइंड को डालने के बाद में अच्छे से मिला लो और पानी से इसे गून लो। थोड़ा इसे हार्ड लगाना है। ये देखिए हम तेल भी कढ़ाई में डाल रहे हैं, जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा और हम यहाँ पे आटे को अच्छे, मैदा को अच्छे से गून लेंगे। देखिए ये हमने मैदा लगा ली है अच्छे से। अब इनके थोड़े हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के एक साइड में रख लेंगे। इस तरह सारी मैदा के हम पेड़े बना लेंगे। इसे अब हम थोड़ा सा कपड़े से ढक देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा हमारा पापड़ से जैसे थोड़ा सूखा नहीं है, सूखने में फिर हमें बेलने में इसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम इसमें हरी मिर्ची, आलू जो उबाल लिए हैं हमने, हरी मिर्ची डालेंगे। इसमें सौंफ, कुटी हुई नमक, लाल मिर्च, खटाई, थोड़ा जीरा, और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सूखा धनिया, ये आलू की हमारी पिट्ठी तैयार हो चुकी है। इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब इनको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। चाहो तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आप फ्राई ना भी करना चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वो आप खुद डिपेंड करते हैं कि आप किस। एक लोई ले ली इसमें से और इसे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे चकले पे रख लेंगे, फिर इसे बेल लेंगे। थोड़ा इसको हम लंबा लंबा बेलेंगे। बीच में से थोड़ा सा इसे चौड़ा रखेंगे। आप जितने साइज का समोसा रखना चाहते हैं उसे आप उतने ही साइज का ही बेलें। इस तरह से बेलने के बाद में आप चाकू लेंगे। चाकू से लेने के बाद में बीच में से इस तरह से काट देंगे। एक हिस्सा उठा करके आप इस साइड से पानी लगाएंगे, इस साइड भी पानी लगाएंगे और इस तरह से दोनों परतों को
अच्छे से इसे चिपका देंगे। इस तरह चिपकाने के बाद में आप आलू का जो चटनी है आपने इसमें पिट्ठी भर देनी है। हल्का सा फिर चारों तरफ पानी लगाएंगे और आप इस तरह इसको जोड़ देंगे। ये हमारा ये समोसा इस तरह से बन जाएगा। आपको अगला भी ऐसे ही भरना है, इसे एक साइड में रख देंगे। इसे भी ऐसे ही उठाएंगे, इधर पानी लगाएंगे और इस तरह पकड़ के दोनों तरफ से इस जोड़ देंगे और ऐसे उठा करके इसको फिर उठा के पकड़ के इसमें आप चटनी भर देंगे। जितनी आ सके चटनी उतनी ही भरना, ज्यादा भरने से ये चिपकेगा नहीं, इसलिए इसमें आप इसी के साइज से ही चटनी भरना। ये आप इस तरह से इसको चिपका देंगे और ये आपका दूसरा समोसा भी एकदम रेडी हो चुका है। बाकी के ऐसे ही आपको भरने हैं, फिर अगला स्टेप चालू करते हैं। अच्छे से इसे लोई बना लिया, इसमें तेल लिया, मैंने रिफाइंड डाला हुआ है, चारों तरफ रिफाइंड लगाएंगे। आप जितना चाहे जितनी बड़ी साइज का समोसा चाहिए आपको, आप उतने ही बड़े का इसे बीच में से रखेंगे और लंबा लंबा इस तरह से इसको बेलेंगे। फिर चाकू लेंगे, चाकू लेने के बाद में आप इसके दो हिस्से कर देंगे। दो हिस्से करने के बाद में फिर से तेल पानी लगाएंगे, उसमें एक साइड से लगा के दूसरी साइड भी हल्का सा लगाएंगे और इस तरह जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में उठा के उसमें फिर से आप पिट्ठी डालेंगे। इसकी ज़्यादा परत जो है आप पतली भी ना रखें, ज़्यादा मोटी भी ना रखें, थोड़ा मीडियम साइज से ही रखें। ये देखिए हमारा अगला समोसा भी एकदम रेडी हो चुका है, ये आप हम यहाँ रख देंगे। इसमें हल्की हम थोड़ा सा इसमें जो भी है थोड़ा सा सूखा मैदा थोड़ा लगा देंगे, जिससे कि थोड़ा खस्तापन आ जाता है। और अच्छी तरह से ये करारे से बन जाते हैं। अब हम इन्हें तल लेंगे। आराम से इसे कढ़ाई में डालना है। बड़ी ही सावधानी से काम करना है। ये हम इनको पलटते रहेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से ठीक से सेकते रहेंगे। देखिए हमारे लाल हो रहे हैं, जिधर से लाल हो जाए उधर से दोबारा से पलट देना। चलिए ये हमारे समोसे एकदम से सिक चुके हैं और मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। अच्छे से इनका तेल पूरी तरह से निकाल लेना है। आप अपने इसे कच्छी पे थोड़े समय रख कर सारा तेल इसका निकाल सकते हैं और पूरी तरह से आप देखिए लाल हो गए हैं पूरे। ये देखिए हमारे गरम गरम समोसे बन चुके हैं। आप चाय के साथ में खाइए, चटनी के साथ में खाइए, किसी के साथ में खाइए, जिससे आपका
मन प्रसन्न हो। हमारे समोसे एकदम से तैयार हो चुके हैं। आपको हमारे समोसे पसंद आए हों तो दोस्तों कृपया लाइक कीजिए हमारे चैनल को और आगे आप बनाइए।